नमो नमः छात्रः स्वागतमस्तु स्टूडेंट यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 7 करो दो मींस अ डूइंग सारी क्रिया मैंने आपको समझाई थी। टुडे स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन। बिफोर द स्टार्ट दिस लेसन स्टूडेंट सिट क्वाइटली फॉर द 15 सेकंड एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइजेस। सिट क्वाइटली स्टूडेंट्स, कीप ब्रीदिंग डीपली। ओम शांति फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। तो साइड में स्क्रीन में आप देख रहे हो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक आप देख रहे हो, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइजेस है ये आपको मैच करना है। लेकिन कैसे मैच करोगे, ए में सभी के नाम दिए गए हैं और बी में क्रियाएं लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो बराबर। तो बी में सभी क्रियाएं पश्यति, खेलती, लिखती, क्षिपति, पठती, वदती, गायती एंड सुनोती, इसको मैच करना है। लेकिन मैच करने के लिए आप ऐसे लाइनिंग नहीं करोगे, आंसर इस तरह आपको लिखना है, आप देख लो। तो यहाँ पे पहले सचिन, तो लेसन के अनुसार सचिन किम करोती, सचिन क्या कर रहा था, सचिन किम करोती, तो सामने में जो क्रिया है बराबर आप देख रहे हो, पश्यति, खेलती, लिखती, क्षिपति, पठती और वदती, तो सचिन क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो सचिन खेलती, सो आंसर इज सचिन खेलती, सचिन खेलती। नंबर टू है वेदांत, तो वेदांत किम करोती, वेदांत किम करोती, सामने क्रिया है, वेदांत क्या कर रहा है स्टूडेंट, वेदांत किम करोती, वेदांत पश्यति, वेदांत खेलती, लिखती, क्षिपति, पठती और वदती, वेदांत पठती, आंसर इज वेदांत पठती। नंबर थ्री है विमानम, विमानम किम करोत, विमान, तो विमान क्या कर रहा है, विमान उड़ रहा है, ओके, तो यहाँ पे आंसर है उड्डयते, आप देख रहे हो यहाँ पे श्रुणोति के नीचे है उड्डयते, विमानम उड्डयते। नंबर सॉरी नेक्स्ट निशा, निशा किम करोति स्टूडेंट, निशा किम करोति, निशा पश्यति, खेलति, लिखति, क्षिपति, पठति, वदति, गायति, श्रुणोति, उड्डयते, निशा किम करोति स्टूडेंट, निशा वदती, निशा क्या कर रही है, आप यहाँ पे देख लोगे बराबर, आप यहाँ पे ये जो क्रिया थी इसके अनुसार निशा किम करोती, लास्ट निशा, तो निशा क्या कर रही है, निशा वदती, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे निशा वदती। विवेक, विवेक किम करोती, तो विवेक किम, विवेक किम करोती, विवेक क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो पश्यती, खेलती, लिखती, क्षिपति, पठती, वदती, गायती, श्रुणोती, करुडेदे, विवेक किं करोति, विवेक पश्यति। नेक्स्ट है कपिलः, कपिलः किं करोति, कपिलः किं करोति, सामने सारी क्रिया है, कपिलः किं करोति, कपिलः क्षिपति। मीरा स्टूडेंट, मीरा किं करोति, यहाँ पे आप देख रहे हो मीरा किंग करो दी, मीरा गायती। नेक्स्ट है मयूर, मयूर किंग करो दी, मयूर किंग करो दी, पश्यति, खेलती, लिखती, क्षिपति, पठती, वदती, गायती, श्रुणोति, मयूर किंग करोती, तो मयूर श्रुणोति। मयूर श्रुणोति। एंड लास्ट दिव्या, तो दिव्या किम करोती, आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ दिव्या। तो दिव्या किम करोती, दिव्या लिखती, ओके, पश्यति, खेलती, लिखती, तो यहाँ पे है लिखती। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइजेस, आपको इसी तरह लिखना है फर्स्ट एक्सरसाइजेस, ओके, तो इसी तरह आंसर आप लिखोगे, सचिन खेलती, वेदांत पठती, विमान उड्डयते, निशा वदती, विवेक पश्यति, कपिल क्षिपति, मीरा गायती, मयूर सुनोती एंड दिव्या लिखती। सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर टू फिल इन द गैप्स, आप साइड में स्क्रीन में देख रहे हो बराबर, एक्सरसाइज नंबर टू फिल इन द गैप्स, यहाँ पे तीन गैप्स है, फर्स्ट है कपिलः, कपिलः डैश,
तो स्टूडेंट कपिल क्या कर रहा है? तो कपिल गेंद फेंक रहा था, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कपिल अभव क्षिपति, क्षिपति मीन्स फेंकना। नेक्स्ट है मीरा, मीरा डैश, मीरा गिन करो दी स्टूडेंट, मीरा मीरा गायती। नंबर थ्री निशा, निशा गिन करो दी, निशा वदती। ओके, तो ये इस तरह आप वो फिलअप्स करोगे। एक्सरसाइज नंबर थ्री आप देख रहे हो यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। तो चार क्वेश्चन, उसके आंसर में बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपको, उसी तरह क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट है, सचिन अह किम करोति, फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर वन, सचिन अह किम करोति। तो पहले फर्स्ट ही पिक्चर था सचिन अह किम करोति, सचिन क्या कर रहा है, व्हाट डज सचिन डू, सचिन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सचिन अह खेलति, सचिन अह खेलति, सचिन किम करोति, सचिन अह खेलति। अब स्टूडेंट आंसर इस तरह लिखना ही है, लेकिन इसका आंसर आप इंग्लिश में भी लिखोगे, ओके, लाइक दिस, सचिन इज प्ले, ओके। तो सचिन अह किम करोति, सचिन अह खेलति, सचिन इज प्ले। नंबर टू मीरा किम करोति, तो मीरा गायति, मीरा किम करोति, मीरा गायति। इसका इंग्लिश में आंसर लिखोगे मीरा इज सिंगिंग, मीरा इज सिंगिंग। नंबर थ्री दिव्या किम करोति, स्टूडेंट दिव्या किम करोति, दिव्या लिखति, दिव्या लिखति। तो आंसर इसका लिखोगे इंग्लिश में भी अ दिव्या इज राइटिंग ना, दिव्या इज राइटिंग। नंबर फोर वेदांत किम करोति, वेदांत क्या कर रहा है, व्हाट इज वेदांत डूइंग, तो क्वेश्चन नंबर फोर है वेदांत किम करोति, तो वेदांत वेदांत पठति। इसके इंग्लिश में आंसर लिखोगे आप वेदांत इज रीडिंग, ओके। तो एक्सरसाइज नंबर ये थ्री एंड फोर, सॉरी टू एंड थ्री दोनों समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज नंबर फोर को समझने के लिए आपको नाउन एंड वर्ब दोनों में नेक्स्ट वीडियो में समझा रहा हूं। सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे नामपद एंड क्रियापद, अब आगे भी बढ़ चुके हैं, नामपद किसे कहते हो, क्रियापद किसे कहते हैं, लेट्स सी नामपद एंड क्रियापद। नामपद, नामपद मींस अ नाउन एंड क्रियापद मींस अ वर्ब, तो ये दोनों आपको समझने हैं नामपद और क्रियापद। तो नामपद क्या है, क्रियापद क्या है, सीधा एग्जाम्पल अजय पठति, अजय पठति, अजय इज रीडिंग, अजय पठति। तो यहाँ पे नामपद, नामपद का मतलब होता है नाउन, तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, अजय, अजय नामपद है, और यहाँ पे क्रिया है पठति, तो वो है वर्ब यानी क्रियापद, नामपद एंड क्रियापद। अजय पठति, अजय नामपद है एंड पठति क्रिया है, तो अजय इज नाउन एंड पठति इज अ वर्ब। तो आपने जो ये क्रिया है देखी, सचिन खेलती, वेदांत पढ़ती, मीरा गायती, ओके। बालक गायती, बालक गायती, तो इसमें बालक एंड गायती, तो बालक जो है वो नाउन है यानी कि नामपद है, एंड जो गायती है वो है वर्ब।
तो आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको इस तरह फिलअप करनी है। दो वहां पर आपको ये टेबल दिया गया है, टेबल में एक साइड पर नामपद है और एक साइड पर क्रियापद है, तो नामपद और क्रियापद के हिसाब से आपको वो कंप्लीट करना है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मयूरः गच्छति, मयूरः गच्छति, ओके। तो इसमें मयूरः गच्छति विच इज नाउ मयूरः एंड गच्छति इज अ वर्ब। बालिका पठति, बालिका पठति, बालिका इज नाउ एंड पठति इज वर्ब। शिक्षकः कथयति, शिक्षकः कथयति, द टीचर इज सेइंग, ओके। शिक्षकः कथयति, तो शिक्षकः इज अ नाउन, नामपद है, एंड कथयति वो है क्रियापद। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो आप खुद करोगे, वो टेबल आपको खुद कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, वो सेंटेंस में से नामपद और क्रियापद कौन कौन से वो लग करके आप मुझे लिख कर सेंड करोगे, ओके। यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ वो आप नोट करोगे। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे जो नामपद एवं क्रियापद आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ये सेंटेंस में से नामपद एवं क्रियापद आप अलग करके मुझे सेंड करोगे, ओके। सो डू योर सेल्फ एक्सरसाइज नंबर 4 आप खुद करोगे, और कोई कंफ्यूजन उसमें है तो आप मुझे रूम में जरूर करोगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। सी द लास्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और चित्र के तौर पर नीचे वर्ब दिए गए। आप देख रहे हो खेलती, धावति, पिबति, क्षिपति, वदति, शृणोति, लिखति, पठति, पश्यति, उड्डयते। आपको इस एक्सरसाइज में ये वर्ब का प्रयोग करके करते हुए जो चित्र में स्टूडेंट्स जो क्रिया कर रहे हैं वो आपको किसी का नाम आप लिख सकते हो बराबर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये सारे जो बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, क्या कर रही है, वो गाना सुन रही है, ओके। यहाँ पर ये लड़की पानी पी रही है, आप देख रहे हो ये लड़का पढ़ रहा है, उसके बाजू में जो बैठा हुआ लड़का कुछ बोल रहा है, कमेंट्री कर रहा है वो। ये लड़की यहाँ पे लिख रही है, ये बॉय यहाँ पे दौड़ रहा है, और ये सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, विमान आकाश में उड़ रहा है। तो आप देख रहे हो बराबर ये वर्ब का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। मैं आपको 5 सेंटेंस बना के देता हूँ, आपको बाकी और सेंटेंस खुद आप बनाओगे। जैसे कि खेलती, खेलती का प्रयोग करते हुए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, रौनक खेलती, नाम कोई भी लिख सकते हो आप, ओके। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है रौनक खेलती, ओके। चलो यहाँ पर हम नंबर 2 है धावती, तो धावती हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे, कौन दौड़ रहा है, धावती यानी मीन्स दौड़ना, रनिंग, ओके। तो ये क्या लड़का दौड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नाम, हम लिखेंगे राकेश धावती, राकेश धावती। नंबर 3 है पिबति, तो देखो चित्र में कौन पिबति, पिबति मीन्स ड्रिंकिंग, ओके। तो कौन पानी पी रहा है, ये लड़की पानी पी रही, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे कोई भी, माया
ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है क्षिपति, क्षिपति मीन्स फेंकना, तो यहाँ पे गेंद फेंक रहा है ये लड़का, ओके तो हम इसका नाम लिखेंगे अजय क्षिपति। ओके देन वदति, कौन बोल रहा है, ओके तो ये लड़का बोल रहा है तो उसका नाम हम लिखेंगे मानव वदति। ओके तो स्टूडेंट इस तरह बाकी सब जो वर्ब है उसका प्रयोग करते हुए आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। ओके एक और काम करोगे स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में, जो भी आप सेंटेंस बनाते हो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आप करोगे। ओके लाइक दिस, रौनक खेलती, तो यहाँ पे आप लिखोगे रौनक इज प्लेइंग, रौनक इज प्लेइंग। राकेश हरावती, राकेश इज रनिंग, राकेश इज रनिंग। माया पिबदी, माया इज ड्रिंकिंग। अजय क्षिपति, अजय इज थ्रोइंग। एंड मानव वदति, मानव इज स्पीकिंग। जो भी सेंटेंस बना रहा है वो इस तरह बना हुआ है। ओके तो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा लेसन आप कंप्लीटली आप समझ चुके हो बराबर। इसके ये लेसन में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे ग्रुप में बताओगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, सारे वीडियोस आपको कंपलसरी देखने हैं। बिना वीडियो देखे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ग्रुप में जरूर बताओगे। धन्यवाद छात्र, नमो नमः, जय हिंद, जय भारत।